हमारे आसपास रहने वाले काफी लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सब अपने बचपन में एक रेस में शामिल हो गए थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो, नौकरी के लिए पढ़ाई करो। समझ में कुछ आए या न आए, अच्छे नंबर आने चाहिए। और अब उनके बच्चे हो गए हैं तो उनसे भी वह यही सब कहते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो। असल में लोगों को यह पता ही नहीं होता कि पढ़ाई क्यों की जाती है। वो बस रेस में भागते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, ताकि दूसरा कोई उनसे आगे ना निकल जाए। पढ़ाई का असल मकसद लोगों को लगता है नौकरी लगाना, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ाई का असली मकसद आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होता है, आपको बुद्धिमान बनाना होता है, ताकि किसी भी कठिनाइयों में आप सही फैसला ले सकें उस समस्या से निकलने के लिए। पर इंसान पढ़ाई करके एजुकेटेड तो हो जाता है, पर बुद्धिमान नहीं बन पाता। आप कहेंगे कि एजुकेटेड पर्सन यानी पढ़ा लिखा आदमी तो बुद्धिमान होता है। अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन वो है जो अच्छे नंबर लाकर एक अच्छी डिग्री ले लेता है, जबकि बुद्धिमान वो होता है जिसने जो शिक्षा हासिल की उसे अपनी लाइफ में उपयोग करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मैंने क्या कहा। जो इंसान अपने ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करता है, सिर्फ वही इंसान बुद्धिमान है। ऐसा इंसान बड़े ही परेशानियों में भी रास्ता निकाल लेता है। यही मकसद होता है शिक्षा की, आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों में सही निर्णय ले सकें। और आपको एक बात बता दूं, डिग्री की ज़रूरत दूसरों के यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं पड़ती है। नौकरी देने के लिए किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इंसान को बुद्धिमान बनने के लिए पढ़ना चाहिए, न कि सिर्फ नंबर और डिग्री के लिए। तो दोस्तों, आप भी अगर किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई करें तो उसे सीखने के लिए पढ़ाई करें, नौकरी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाई ना करें। अगर आप नौकरी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई में मन कभी भी नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।